दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं YouTube में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करें। जैसे कि आपने आपके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने में कोई एरर मिल रहा है, कुछ समस्या मिल रहा है, जब तक आप अपना जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कीजिएगा, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, किसी भी एक डॉक्यूमेंट को जब तक आप अपने एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में अपलोड नहीं कीजिएगा, तब तक आपका पिन आपको नहीं सेंड किया जाएगा और आपका जो आगे का प्रोसेस को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपके भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने में आपको कुछ एरर मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम मिल रहे हैं, तो कैसे आप उस समस्या को ठीक कर सकते हैं और कैसे आपको अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना गूगल एडसेंस ओपन कर लेता हूं, जो कि आपको अपना क्रोम या गूगल पर जो ओपन करके यहां से अपना गूगल एडसेंस वाले पेज पर चलते हैं, जो कि मैं यहां से गूगल एडसेंस ओपन करके मैं एडसेंस वाले पेज पर चलता हूं, आगे का प्रोसेस को दिखाता हूं, ठीक है। तो जो कि मैं अपना एडसेंस यहां सर्च करके मैं अपने एडसेंस को सक्सेसफुली ओपन कर लेता हूं। तो जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा एडसेंस ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे आप एडसेंस ओपन करते हैं तो आपके सामने एक टेक एक्शन का ऑप्शन मिला, सिर्फ एक्शन का बटन मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट पेज पे चले जाएंगे, वरना आपको यहाँ थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ नीचे आएंगे तो आपको एक पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, एक अकाउंट्स का, तो आपको पेमेंट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे एक वेरिफिकेशन चेक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वेरिफिकेशन चेक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहां से आप सक्सेसफुली अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, नीड्स अटेंशन, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे टेक एक्शन का एक बटन मिलेगा, आप देख सकते हैं, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से भी एक्शन पे क्लिक करके आप अपना जो पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। जब तक आप अपना जो इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट नहीं कीजिएगा, तब तक आपका आगे का प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाएगा और आगे का प्रोसेस को नहीं बढ़ाया जाएगा। जबकि आपको 45 दिन तक आपको यहाँ अपने पैन कार्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसके बाद से आपका चैनल का मोनेटाइज भी ऑफ हो जाएगा। तो जैसे कि मैं टेक एक्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे टेक एक्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस को लगा, आप देख सकते हैं कुछ देर तक का लोडिंग लेगा। आपको आपके जो आप एडसेंस में कुछ प्रॉब्लम मिल रहे हैं, एरर मिल रहा है, इसे आपको अपलोड करने के लिए आपको तो आपको थ्री लाइन पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट नहीं करना है, मोबाइल साइट का ही यूज करके आपको इसे सक्सेसफुली अपलोड करना है। तो आप यहां देख सकते हैं सक्सेसफुली आपको करना क्या होगा, आपको यहां प्रोवाइड सम इन्फो अबाउट योर सेल्फ टू कंटिन्यू, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह का लोडिंग लेगा। आप यहां देख सकते हैं इसमें चार डॉक्यूमेंट दिए गए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, मैं आपको दिखाता हूं फिर से, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ठीक है, वोटर कार्ड पहचान पत्र यानी पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा सही तरीके से। तो आपको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने लीगल नेम आएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं लीगल नेम पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आपको यहाँ नाम आ जाएगा, जिसके नाम से भी आपका एडसेंस बना है तो आपको इस पे क्लिक कर देना होगा, या आप मैनुअली भी डाल सकते हैं कि आपके जो किसके नाम से एडसेंस अकाउंट बना है वो आपको मैनुअली भी डाल सकते हैं। जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट आपका बना है उसी के नाम से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं सेलेक्ट आईडी टाइप, इस पे क्लिक करके आपको इस चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जो कि मैं पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूं तो पैन कार्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको फ्रंट ऑफ आईडी, फ्रंट बैक ऑफ आईडी, ठीक है, आगे और पीछे का आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो मैं अपना से गैलरी से यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, अपने गैलरी से अपने दोनों आगे पीछे का सेलेक्ट करके उसके बाद आगे का प्रोसेस को दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं आप मेरा जो आईडी जो मैं अपलोड किया हूं, यहाँ फ्रंट ऑफ आईडी यहाँ कुछ इस तरह का लोडिंग ले रहा है। जैसे आप मैं कुछ तरह इस तरह का लोडिंग लेने के बाद आपको सक्सेसफुली जैसे आपका डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड हो जा रहा है उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप यहां देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और दूसरा डॉक्यूमेंट यहां फ्रंट ऑफ आईडी यहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको एरर मिला है तो दोबारा से आपको री अपलोड पे क्लिक करके दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। तो आप यहां देख सकते हैं सक्सेसफुली दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस मांगेगा, जो कि आपको यहाँ क्लिक कर देना होगा। जो भी आपका एड्रेस एडसेंस का एड्रेस होगा इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा एड्रेस आपका यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ हाइड कर दिया हूँ सिक्योरिटी के कारण। उसके बाद नीचे आपको एक कोने में ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपको इस तरह का वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस का जो आइकन मिल जाएगा, उसके बाद थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, द वेरिफिकेशन प्रोसेस में टेक ए फ्यू डेज, विल वी हैव सेंड यू एन ईमेल विद द रिजल्ट। ठीक है, आपको बता दिया गया कि आपका जो कुछ दिनों में, आपका एक से दो दिन लगता है इसमें, कुछ दिनों में आपका जो उधर से आपको बता दिएगा, आपका गूगल एडसेंस का टीम देखकर बताएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, आपके जो एडसेंस अकाउंट से जो आपका जो नेम से बना है एडसेंस अकाउंट, उसी नेम से आपका जो डॉक्यूमेंट भेजे होंगे तो आपको सेम होगा, तो उसके बाद आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कम्प्लीट कर देगा, उसके बाद आपका पिन भेज देगा। ठीक है, उसके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कम्प्लीट जैसे करेगा, उसके एक या दो दिन के अंदर में आपको पिन भेज दिया जाएगा, आपको गो इट पे क्लिक कर देना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ सेकंड आपको लग गया होगा इन प्रोग्रेस, आपको देख सकते हैं योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, प्लीज अलाउ ए फ्यू डे टू वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें कुछ दिन का वेरिफिकेशन टाइम लगता है, उसके बाद आपका जो आपको मेल पर मिल जाएगा जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर।